Good morning, students. Now is assessment of newborn. Last class in newborn start hai assessment of newborn. Then two type I am described. Today third point physical assessment. Physical assessment यानी जो शारीरिक जो आकलन करना है यूनिट्स का वो किस प्रकार होता है. फिजिकल असेसमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इन्फेंट के लिए आफ्टर द बर्थ, जो कि इन्फेंट की बॉडी पार्ट्स और स्पीच सिस्टम पे जो परफॉर्म करता है कार्य करता है. बॉडी पार्ट जैसे कि नोज माउथ थ्रोट एंड सिस्टम कार्डियक सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. फर्स्ट है जनरल अपीयरेंस. जनरल अपीयरेंस यानी फर्स्ट ऑल ऑफ इन्फेंट्स के बाद जब भी जाते हैं यूनिट्स के बाद जाते हैं तो जो कराई होती है उसको कहते हैं लो डस्टी कराई. अगर वो कराई लो डस्टी कराई है तो वो इन्फेंट्स बिल्कुल स्वस्थ है या बढ़िया है. नेक्स्ट अगर वो जो कराई है लो डस्टी कराई सील कराई है तो वो इंडिकेट करता है मेनिंजाइटिस को. अगर जो कराई है वो वीक है काफ़ी तो वह यानी इसका मतलब ये है कि जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक है, इस कारण से जो है जो कराई है काफ़ी वीक है. नेक्स्ट इसमें जो जनरल अपीयरेंस में हम देखते हैं कि इन्फेंट्स में एक कंडीशन फॉग लाइक जैसे कि मेंढक की आँख की तरह होता है ना कंडीशन, उस कंडीशन को हम फॉग लाइक कहते हैं. वो फॉग लाइक पोस्चर है तो वह इंडिकेट करता है पोलियोब्लाइटिस या स्कर्वी. अब लेते हैं स्किन यानी त्वचा. जनरल फिजिकल असेसमेंट में हम त्वचा में क्या देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ऑफ यूनिट स्किन स्मूथ एंड पफी. स्किन कवर्ड इज ग्रीनिश व्हाइट सब्सटेंस यानी एक व्हाइट सब्जी की तरह स्किन कवर्ड चारों तरफ कवर रहती है व्हाइट सब्सटेंस, इसको कहते हैं वर्निक केसोसा. इट इज कॉल्ड ए वर्निक केसोसा. इसका क्या रोल होता है, वह प्रोटेक्ट करता है गर्भावस्था के दौरान इन्फेंट्स को या बेबी को प्रोटेक्ट करता है. जो ये कब एक्यूमेंट होता है, ये एक्यूमेंट तब होता है जब ये इफेक्ट होता है लास्ट थ्री ट्रेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के लास्ट थ्री ट्रेमेस्टर में ये एक्यूमेंट होता है. नेक्स्ट हम स्किन में क्या असेसिंग करते हैं, असेसिंग ऑफ द कलर स्किन. Then blue colors to indicate of cyanosis and yellowish colors that indicated to jaundice. यानी अगर स्किन का कलर ब्लू है तो वह साइनोसिस को इंडिकेट करता है, या अगर येलोइश है तो वो जॉन्डिस यानी पीलिया को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट द इन्फेंट एसेसिंग ऑफ द हेयर. जो स्मूथ हेयर होते हैं वाइट वाइट छोटे जो इन्फेंट में आपने कभी नोटिस किया होगा उन से कहते हैं लेनुगो हेयर्स. जो 5 months अपीयर में अपीयर होते हैं यानी आते हैं 5 months ईयर्स में वो सॉरी मंथ में आते हैं. नेक्स्ट स्किन में हम ये देखते हैं डिहाइड्रेशन एंड ग्लूकोज कंडीशन. डैट कंडीशन इज असेसिंग सर वो एक क्लिनिकल मेथड. इस क्लिनिकल मेथड के द्वारा हम स्किन को असेस करते हैं ग्लूकोज एंड डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि इन्फेंट्स के जाके हम टू फिंगर्स को लेके स्किन के ऊपर जब रब करते हैं या पच करते हैं तब तो स्किन के अकॉर्डिंग आप देखते होंगे देखो व्हाइटनेस जो स्किन होती है वो जो मूवमेंट होता है वो ट्रिगोन मूवमेंट होता है यानी ट्रिगोन साइन होता है. उसमें वो जब एक 1.5 सेकंड के लिए वो आता है मूवमेंट उसके बाद नहीं होता, उससे हम एक डिहाइड्रेशन एंड ग्लूकोज की कंडीशन को हम पता लगा सकते हैं. तो ये हो गए ट्रिगोन स्किन में हमें ये देखा कि ट्रिगोन कैसे इंक्लोड करते हैं. नेक्स्ट हेयर. यूनिट्स हेड इज मैग थिन पिनेबल ट्यूबुलर बोन से बना होता है. ये बॉडी के वन फोर पार्ट होता है. इनके बॉडी पार्ट जो होते हैं साइज 5 सेंटीमीटर होता है यानी 1/4 ये हेड ऑफ साइज हो गया पूरे बॉडी पार्ट्स के 12.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट असेसिंग फॉर द हेड कैपिट सेफेलो हेमेटोमा कैपिट सेक्सोडम एंड असेसिंग ऑफ द मोल्डिंग यानी जो हेड है वो किस सिस्टम में घूम सकता है उड़ रहा है ये मोल्डिंग भी असेसिंग करते हैं हम हेड के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है हेड में क्या होता है सूचर इज वाइट. जो सूचर होते हैं हेड में वे वाइट होते हैं. सूचर यानी इट इज ए जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स. स्कल बोन्स के बीच के जॉइंट को हम कहते हैं सूचर. ये टोटल 6 होते हैं. ये 6 प्रकार सूचर होते हैं जो स्कल बोन्स जॉइंट्स के बीच का होते हैं. जॉइंट इट इज ए
joint of Schultz bonds, between two Schultz bonds. Structures six होते हैं पक्के से. लंबोइडल दो होते हैं जो ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होते हैं. नेक्स्ट सेजिटल वन, फ्रंटल कोरन. तो ये सिक्स जॉइंट हो गए, लंबोइडल दो, सेजिटल, फ्रंटल एंड कोरनल, जो ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बोन के बीच में जो होते हैं लंबोइडल जॉइंट होते हैं. फ्रंटल और पैरिटल बोन के बीच में जो होते हैं सेजिटल जॉइंट, एंड फ्रंटल जो पैरिटल टू बोन्स पैरिटल बोन के बीच वाले जो पैरिटल बोन होते हैं, एंड कोरनल वो होते हैं पैरिटल एंड कोरनल बोन के बीच में. तो ये सिक्स फीचर्स हो गए. नेक्स्ट फ्रंटल, फ्रंटल क्या होता है, जो जॉइंट्स के स्कल्स बोन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन्स गैप, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल. फ्रंटल क्या होता है, एंटीरियर फ्रंटल सर, फ्रंटल एंड पोस्टीरियर फ्रंटल. इनको कहते हैं ब्रेक बोन, इनको नाम ये ब्रेक बोन नाम से जानते हैं, और इसको लैमिनर नाम से भी करते हैं. ये डायमंड शेप में होते हैं एज ए डायग्राम शेप, ये ट्रायंगल शेप में होते हैं. इनका जो डायमीटर होता है 3-4, इनका 1-2. तो ये हो गए एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर फ्रंटल. तो ये है छोटी सी स्ट्रक्चर है बोन की जो मैंने बताई है कि. नेक्स्ट जो हम एसेसिंग करते हैं, नेक्स्ट एसेसिंग फॉर द हेड टू फिंगर स्कल हेड टू ऑब्जर्व द स्मूथ एरिया टू फिंगर लाइक, ये दो उंगली से हम ये एसेस करते हैं स्कल हेड पे कि टू स्मूथ एरिया है, तो वो इंडिकेट करता है हाइड्रोसिफेरस को. तो ये हमें हेड. नेक्स्ट है फेस, फर्स्ट ऑफ एसेसिंग द एसिमेट्री पैरालिसिस एंड स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड एनी डाइवेशन टू जॉ, तो इंडिकेटेड टू कोऑर्डिनेटेड डिसऑर्डर. यानी किसी को अगर कहूँ जॉ के अंदर डाइवेशन है या कोई है तो वो कोऑर्डिनेटेड डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट है आई, आई पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एसेसिंग द कलर एंड सेकेंड एसेसिंग द कंजक्टिवाइटिस डिस्चार्ज. अगर स्कलर का जो कलर है अगर ग्रेस है तो वह साइनोसिस को, ये सॉरी ऑस्टियोजेनेसिस को इंडिकेट करता है. अगर स्कलर कलर अगर येलो पीला है तो वह इंडिकेट करता है जॉन्डिस को. नेक्स्ट अगर जो है अगर किसी प्रकार का डिस्चार्ज है तो वह आई इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट अगर रिफ्लेक्शन एसेसिंग फॉर द रिफ्लेक्शन, अगर रेड रिफ्लेक्स एब्सेंस है तो वह कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर यानी कैटरेक्ट, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट को इंडिकेट करता है. तो आई डेन आई डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. अगर आई का डायमीटर 2 से ज़्यादा है तो हाइपरटेलोरिज्म, अगर कम है तो हाइपोटेलोरिज्म. एब्सेंस ऑफ आई बोल यानी अगर एब्सेंस बोल नहीं है तो क्या कहेंगे, एनो ऑप्थेल्मिया. अगर एब्सेंस ऑफ आई बोल यानी आई बोल नहीं है तो एन ऑप्थेल्मिया डिजीज के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट कहते हैं हम नोज, असेसिंग ऑफ द नोज इज द प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फेस, जो फेस के सेंटर में होती है. नेक्स्ट अगर नोज के अंदर किसी प्रकार की फ्लेरिंग है तो वह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है. एंड नेक्स्ट माउथ एंड थ्रोट, फर्स्ट ऑफ असेसिंग द माउथ एंड थ्रोट कैलेप लिप एंड कैलेप पैर, इट इज़ ए नॉर्मली कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर इन नियोनेट. ये बच्चों में नॉर्मली पाया जाने वाला क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट पाया जाता है.
सेकेंड एसेसिंग ऑफ द माउथ गम गम पॉइंट्स पिंकिश गम पॉइंट्स एंड मॉइस्ट गम, यानी जो बच्चों के अंदर मुंह में जो वो गम्स होते हैं यानी लार्ज टाइप्स होते हैं उनको कहते हैं गम, जो अगर मॉइस्ट है तो वो डिहाइड्रेशन इंडिकेट करते हैं, अगर वो ब्रियस है तो वो साइनोसिस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट एपिसिलिन या ओरल थ्रस्ट नॉर्मली फाउंडिंग एज ये है असेसिंग ऑफ द एपिसिलिन एंड ओरल थ्रस्ट, अगर ओरल थ्रस्ट है तो वह किसी इन्फेक्शन को इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन को एडिट कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन इज ए कैंडिडा एपिकेंस। नेक्स्ट है नेक असेसिंग फॉर द नेक मैपिंग मोबिलिटी हाइपर एक्सटेंशन एंड टोर्टिकोलिस। ये असेसिंग करते हैं इसमें, ये टोर्टिकोलिस क्या स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि जो नेक की मसल्स है वो काफ़ी स्प्लिट हो जाती है, सुकड़ जाती है, जिसके कारण से जो नेक का मूवमेंट है वो एक तरफ रहता है और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही की जा सकती है, जनरली ट्रीटमेंट से ये सही हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं चेस्ट, चेस्ट में क्या है, फर्स्ट ऑफ असेसिंग ऑफ द इंटरकोस्टल डिस्ट्रेशन टू इंडिकेट टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंटरकोस्टल डिस्ट्रेशन किसी प्रकार का है तो वह इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। सेकंड असेसिंग फॉर द क्लेविकल बोन फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता है, इसको असेसिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट डिलीवरी में क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट असेसिंग फॉर द ग्रेटर साउंड्स, जो इंडिकेट करते हैं अगर गर्सोन एब्सेंस है तो वो इंडिकेट करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। नेक्स्ट असेसिंग फॉर द निपल साइज, निपल साइज अगर 5 mm है ज़्यादा है तो कंडीशन इज नॉर्मल। नेक्स्ट अगर 5 mm कम है तो इंडिकेटेड टू प्रीटर्म बेबीज। नेक्स्ट एब्डोमेन, पोस्ट असेसिंग ऑफ द एब्डोमेन अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज द 2 artery veins एंड 1 artery एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन इज ओमीफिलेराइटिस, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है तो उसको कहते हैं ओमीफिलेराइटिस। एंड अभी और का दूसरा नाम जो है वो है पुलिस, अम्बिलिकल कॉर्ड को दूसरे नाम से ही पुलिस नाम जानते हैं, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है तो वो होता है ओमीफिलेराइटिस। ये असेसिंग करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। नेक्स्ट है एब्डोमेन साइज, असेसिंग फॉर द एब्डोमेन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज ए 32 नेक्स्ट है स्टूल्स, असेसिंग फॉर द स्टूल्स येलोविश कलर्स, डार्क येलोविश कलर्स, फर्स्ट ऑफ इन्फेंट स्टूल इज कॉल्ड इज बिकोनियम, जो फर्स्ट स्टूल होती है इन्फेंट्स की उसको कहते हैं बिकोनियम, जो कलर्स होता है वह होता है गोल्डन येलोविश कलर। नेक्स्ट है जेनिटल, जेनिटल यानी हम न्यूफेंट्स को कैसे असेसिंग करेंगे, तो इसमें दो हैं मेल और फीमेल, तो मेल फीमेल कैसे असेसिंग कर लें, मेल मेल में फर्स्ट असेसिंग द यूरेथ्रा, असेसिंग यूरेथ्रा अगर डोर्सल साइज से है तो कहेंगे एपिफाइब्रिलेशन, अगर वेंट्रल्स यूरेथ्रा ओपनिंग है वेंट्रल साइज से ओपनिंग है तो कहेंगे हाइपोस्पिलेसिस, हाइपोस्पिलेसिस एपिफाइब्रिलेसिस दोनों डिजीज होती है जो अक्सर न्यूट्रल डिसऑर्डर में आती है जो बच्चों में अक्सर हो सकती है। नेक्स्ट है फीमेल में कैसे हम असेसिंग करेंगे, फर्स्ट असेसिंग द इनलार्ज ऑफ द क्लाइटोरिस, लिबिया माइनोरा इज कवर्ड बाय लिबिया माइजोरा एंड क्लाइटोरिस, एंड असेसिंग फॉर द सुडो मेंस्ट्रुएशन हार्मोन, इट इज अकर देन कॉल्ड इन मेंस्ट्रुअल, सुडो मेंस्ट्रुअल इज ए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं जो जो फीमेल्स में
आता है, फीमेल्स एक बेबी में आता है, सुडोमेस्टोस होता है जो फीमेल्स में, हम उसके द्वारा ये करते हैं सुडोमेस्टोस, इसको आर्मस कहते हैं, एस्ट्रोजन जो फीमेल बेबी में आता है। नेक्स्ट है आपके बैक एंड स्पाइन, ऑब्जर्व बैक एंड स्पाइन, ऑब्जर्व द एनी स्पाइनल एनी डिस प्रॉब्लम, स्पाइनल बाइफिडा, मेनिनजियल, मेनिनजोबायोसिस एंड ऑब्जर्व इट। एंड नेक्स्ट है हिप, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसिंग द एनी मास एंड डिसलोकेशन ऑफ द हिप, एनी मास यानी टेराटोमा, टेराटोमा एक मास जैसे हो सकता है इम्प्लांट्स में हिप लोकेशन की तरफ, तो उसको हम टेराटोमा कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी में जो है असेसमेंट में सभी प्रकार के असेसमेंट आते हैं, उसमें न्यूनेट्स के सभी प्रकार के मूवमेंट्स, मसल स्टोन्स एंड एनी फ्रैक्चर्स, एनी अदर एब्नॉर्मलिटीज टू असेसिंग फॉर द एक्सट्रीमिटी असेसमेंट। देन नेक्स्ट है एंड लास्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टू असेसिंग ऑफ द मसल स्टोन्स, लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द एक ऑफ मूवमेंट ऑफ द इमेचर इन्फेंट एंड असेसिंग फॉर द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस दो प्रकार से होते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड प्रीमेटिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में स्नीजिंग, कफिंग एंड गैग रिफ्लेक्स इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है प्रीमेटिव रिफ्लेक्स, रूटिंग, सोलिंग, स्टेपिंग, ये सभी रिफ्लेक्स हैं जो आते हैं प्रीमेटिव रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यूबॉर्न इज इंक्लूडेड द ऑडियो क्लास इन दिस वीडियो। रिफ्लेक्सेस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूनेट, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मस्कुलर सेल, रिफ्लेक्सेस इज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूनेट्स में, यानी हर रिफ्लेक्सेस के साथ में न्यूनेट्स अपनी डेवलपमेंट स्टेज को कंप्लीट करता है। तो रिफ्लेक्सेस में हम पहले लेते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, व्हेन द टच द चिक अलोंग द साइड ऑफ द माउथ द न्यूनेट विल टर्न इट इज हेड टुवर्ड्स द सेम साइड टू फाइंड आउट ऑफ द फूड, यानी जब हम न्यूनेट्स की चिक को टच करते हैं तब वह जो हेड है अपने उसी तरफ राउंड करता है और अपनी जैसे किसी फीडिंग बोतल से है या फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग निप्पल्स है उनको ये सर्च आउट करता है, यानी अचानक से फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट है आपके सकलिंग रिफ्लेक्स, व्हेन द टच द टिप्स ऑफ द न्यूनेट द ब्रेस्ट निप्पल पी द ऑब्जेक्ट न्यूनेट प्रोड्यूस सकिंग मूवमेंट टू टेक इनसाइड, जब न्यूनेट ब्रेस्ट को टच करता है और वो जो मूवमेंट होता है दूध को सकिंग करने का उस मूवमेंट को हम कहते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। स्वॉलिंग रिफ्लेक्स यानी दूध को निगलने वाले जो रिफ्लेक्स होते हैं, ये जो दूध को निगलने में हेल्प करते हैं वो होते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स, न्यूरॉन स्टिमुलेट द पोस्टीरियर फेरिंग्स बाय फूड, एग्जांपल वाइल सेक्शन पासिंग द ट्यूब एंड इट कॉज ए न्यूनेट गैग। न्यूनेट स्टिमुलेट द पोस्टीरियर फेरिंग्स बाय फूड्स, यानी न्यूनेट्स के पोस्टीरियर भाग की तरफ जो फेरिंग्स का कुछ हिस्सा होता है वहाँ पे गैग रिफ्लेक्स होते हैं। वो रिफ्लेक्स क्या करते हैं, जब सक्शन ट्यूब्स को हम इंड्यूस करते हैं, पासिंग करते हैं, उस कोज को हम कहते हैं न्यूनेट ऑफ द गैग रिफ्लेक्स। वो कोज जो होता है न्यूनेट ऑफ द गैग होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स, यू सीन द दिस डायग्राम, व्हेन द टच द टंग द न्यूनेट व्हेन द ट्राइज टू फोर्स इट आउटवर्ड, यानी किसी स्पून के अंदर किसी फीडिंग कराने के दौरान जो रिफ्लेक्स होते हैं जो जीभ को टच करता है न्यूनेट्स, उस रिफ्लेक्स को एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यवलिंग रिफ्लेक्स, व्हेन द ऑटो लेवल इज डिक्रीज द न्यूट इंस्पायर द लार्ज अमाउंट एयर बाय ओपनिंग द माउथ वाइड, फूड मारवासी भाषा जैसे कहते हैं उबासी आना, दैट इज ए यवलिंग रिफ्लेक्स। यानी ओ2 लेवल को डिक्रीज होते होता है तो इंस्पायरेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट एयर ओपनिंग ऑफ द माउथ वाइडली। नेक्स्ट है स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स, व्हेन एनी फॉरिनर सबस्टेंस एंटर द अपर लोअर एयरवे न्यूनेट्स क्लियर अपर एयरवे स्नीजिंग बाय लोअर द एयरवे कफिंग,
यानी किसी प्रकार का कोई फॉरन बॉडी सब्सटेंस न्यूनेट्स के नाक में या मुंह में जाता है तो वो कफिंग और स्निजिंग के द्वारा उसको आउट कर देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं। तो उसके रिफ्लेक्स को जो बोलते हैं वो होते हैं स्निजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। व्हेन वी टैप द ग्लैबुला द मीटिंग पोर्ट ऑफ द फोर्स हेड नोज द न्यूनेट डिक टू क्लोजर आई और ब्लिंकिंग। जब न्यूनेट्स के फोर हेड को हम पंच करते हैं फिंगर के द्वारा तो जो रिएक्शन होता है न्यूनेट्स का वो होता है कि एक वो तो आई बंद करेगा या फिर वो ब्लिंक करेगा आई को। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट व्हेन वी द एक्सपोज ऑफ द आई न्यूनेट द ब्राइट लाइट देन न्यूनेट प्रोटेक्ट द आईज रैपिड क्लोजर ऑफ आई लिड्स। जब न्यूनेट के सामने किसी टॉर्च की लाइट्स को हम देते हैं तो क्या करते हैं न्यूनेट्स अपनी दोनों आंखों को ब्लिंक करते हैं या बंद कर लेते हैं। डॉल आइज रिफ्लेक्स। इसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम इस रिफ्लेक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉल आइज रिफ्लेक्स आपने देखा होगा बचपन में जो डॉल्स होती है जब हम डॉल्स को नीचे की तरफ टर्न करते हैं तो वो अपनी आंखें को बंद करते हैं और ऊपर की तरफ अपन जब उस डॉल्स को टर्न करते हैं तब वो अपनी आंखें को ओपन करते हैं, यानी खोलना और बंद करना डॉल की तरह। एक बचपन में एक डॉल होती है उसकी अकॉर्डिंग व्हेन द टर्न यूनिट्स हेड टू राइट टू लेफ्ट साइड द आईज डू नॉट एडजस्ट इमीडिएटली विद न्यू बॉर्न पोजिशन हेड द लेग बिहाइंड सेम लाइक ए डॉल आइज। नेक्स्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स। व्हेन वी अप्रोच द ऑब्जेक्ट टुवर्ड कॉर्निया इन्फेंट ब्लिंक द आई लीड्स। कॉर्निया का मूवमेंट्स इज द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्रॉस रिफ्लेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स इन ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। पहला है पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। ग्राफ्स रिफ्लेक्स में तीन प्रकार के होते हैं पाल्मर पिंसर एंड प्लांटर। तो पहला लेते हैं हम पाल्मर ग्राफ्स। यू सीन द डायग्राम इज पाल्मर रिफ्लेक्स। इन फिंगर को अपनी न्यूनेट्स की तरफ जब लेके जाते हैं तब न्यूनेट्स क्या करता है उस फिंगर्स को अपनी मुट्ठी में बंद करता है, उसी को हम पाल्मर ग्राफ्स कहते हैं। व्हेन वी प्लेस द एनी ऑब्जेक्ट न्यूनेट पाम न्यूनेट टू होल्ड क्लोज द फिंगर राउंड द ऑब्जेक्ट इट मीन्स होल पाम एंड फिंगर बी यूज। नेक्स्ट है पिंसर ग्राफ्स। पाल्मर रिफ्लेक्स इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय पिंसर ग्राफ्स। यू सीन द डायग्राम ग्रेजुअली प्लेस्ड बाय पिंसर ग्राफ्स रिफ्लेक्स द विद द इंडेक्स फिंगर थम ऑब्जेक्ट बाय 8 to 10 months टू एज इनफेड यूज क्राउड पिंसर ग्राफ्स बाय 10 months ऑफ एज द पिंसर ग्राफ्स इन सफिशेंट डेवलप्ड। नेक्स्ट प्लांटर रिप्लेस। व्हेन वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट टू प्लांटर सरफेस नियर टू द टॉयज एग्जाम्पल फिंगर द न्यू बॉर्न डिक्स टू फ्लेक्शन ऑल टोज ऑफ ग्राफ्स द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बेबिनस्की रिफ्लेक्स। व्हेन वी स्ट्रोक द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द सोल ऑफ द न्यूनेट फूड फ्रॉम द हील द बेस ऑफ टॉयज फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइक फिंगर एनी हेल्की नो न्यूनेट ऑफ द रेस्पॉन्स दिस डोर्सिफ्लेक्शन इज द बिग टॉय एंड हाइपर एक्सटेंडेड द फ्लेमिंग फैनिंग ऑफ द अदर टॉयज डिसअपियर आफ्टर एज ऑफ 14 years। देन रिफ्लेक्स इज ए न्यूनेट। जब हम वी इन वी स्ट्रोक जब ये स्ट्रोक लगाते हैं सोल के ऊपर हम या कुछ फिंगर्स को टिप करते हैं तब क्या करता है न्यूनेट्स अपने सभी टॉयज और फिंगर्स को एक्सटेंड करता है खोल लेते हैं, मतलब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वो होते हैं बेबिनस्की रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। व्हेन द प्लेस चाइल्ड इज सुपाइन पोजिशन टर्न ऑफ द एक्सटेंड सडनली वन साइड न्यूनेट डिक्स एक्सटेंशन आर्म लेग सेम साइड फ्लेक्शन द आर्म एंड लेग्स ऑपोजिट साइड दिस इज ए कॉल्ड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स। व्हेन वी होल्ड द बेबी सुपाइन पोजिशन सपोर्टिंग अपर बैक एंड हेड द लोअर बैक टू अंदर साइड न्यूनेट हेड इज सडनली अलाउड टू ड्रॉप डाउन बैकवर्ड ड्यू टू सडन लैक ऑफ द सपोर्ट न्यूनेट्स हेड को सडन एक्सटेंशन अबाउट एक्सट्रीमिटीज विद फीलिंग फिंगर्स इंडेक्स एंड द शेप सी शेप फॉलोड बाई फ्लेक्शन एडक्शन एक्सट्रीमिटीज इट डिसअपियर 3 to 4 months मोर स्ट्रॉन्ग एज टू 2 months। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है ये रिफ्लेक्स जो है 3 to 4 months में आते हैं और ये रिफ्लेक्स बेबी अपने दोनों पैरों को खोलता है। कब खोलता है जब बेबी को हाथ में हम या गोद में लेते हैं तब वह सुपाइन पोजीशन के अंदर अपने दोनों हाथों पर खोलता है और जब हवा में एकदम से हम उसको
पिक करते हैं या उठाते हैं तब ये रिफ्लेक्स आते हैं। नेक्स्ट स्टार्टर रिफ्लेक्स, व्हेन वी प्रोड्यूस सडन साउंड ऑफ द नियर नोट्स देन न्यू नेट्स रिएक्ट टू एडक्शन आर्म फ्लेक्शन एल्बो एंड रिमेन्स क्लींस्ड। यानी जब बेबीज सो रहे हैं या स्लिप है, ये नींद में है, तो क्या होता है कि दूर से कभी साउंड की किस लोड साउंड जब होता है तब बेबी क्या करते हैं, अचानक से ऐसे फ्लेक्स करते हैं अपने दोनों हाथों को और पैरों को। यानी जो एक नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे कि बच्चों के चमकना किसी लाउंड मतलब लाउंड साउंड को सुन के, उस टाइप से ये रिफ्लेक्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्टर रिफ्लेक्स। स्टेपिंग एंड डांसिंग रिफ्लेक्स, व्हेन द होल्ड इन्फेंट फ्रॉम एक्जिला बोथ हैंड्स ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन टचिंग विद द हेड सरफेस द फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेग शोविंग वॉकिंग एक्टिविटी डिसअपीयर आफ्टर 3 to 4 weeks। नेक्स्ट है क्राउल रिफ्लेक्स, व्हेन वी प्रेस ऑन द एब्डोमन मैक्स विद क्राउलिंग मूवमेंट्स आर्म लेग्स डिसअपीयर अबाउट एज 2 to 6 weeks। न्यूनेट्स को कभी इस पोजिशन में करने के लिए हम जब भी बच्चों को उठाते हैं और इस पोजिशन में रखते हैं तब क्या करता है, न्यूनेट्स अपने दोनों हाथ पैरों को फ्लेक्स करता है, खोलता है, इस रिफ्लेक्स को हम क्राउल रिफ्लेक्स कहते हैं। देन इज पैरासूट रिफ्लेक्स, नेक्स्ट इज पैरासूट रिफ्लेक्स, डाउनवर्ड पैरासूट रिफ्लेक्स, व्हेन वी सडनली लोअर्स द न्यूनेट्स वी अबाउट डिस्टेंस द वेंट्रिकल सुप्रेशन फॉलोड बाय एक्सटेंशन आर्म हैंड्स फिंगर्स सेम लाइक पैरासूट। पैरासूट की तरह ही होता है सेम इस रिफ्लेक्स को, इसलिए पैरासूट कहा गया है। पैरासूट की तरह ही ये पैर जब बच्चे को उल्टा करते हैं तो वो हवा में जैसे पैरासूट होता ना वैसे, जैसे दोनों हाथों पैरों को खोल के जैसे हवा में पैरासूट जैसे होता है, वैसे ये रिफ्लेक्स होते हैं, पैरासूट रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब बेबी को उल्टा करके ये मूवमेंट उल्टा करते हैं तो ये मूवमेंट होते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स, जो 7 to 9 months में होते हैं, ये कभी डिसअपीयर नहीं होते, डज नॉट डिसअपीयर। नेक्स्ट है लेंडिव रिफ्लेक्स, व्हेन द न्यूनेट्स सस्पेंडेड इन प्रोन पोजिशन विद द एक्सटेंडेड हैंड अंडर द एब्डोमेन द रेस्पॉन्स बाय एक्सटेंशन द हेड ट्रंक द हिप्स ऑन फ्लेक्सिंग द हेड ट्रंक एंड हिप आल्सो सो फ्लेक्शन। जब बेबी को उल्टा करते हैं तो वे रिफ्लेक्स जो होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स को लेंडिव रिफ्लेक्स कहते हैं। ये 6 to 8 months में आते हैं और 12 to 24 months में तक रहते हैं। तो ये हो गए लेंडो रिफ्लेक्स। अब ट्रक्शन विद द होल्ड द न्यूनेट्स, दिस इज साइड ऑफ लेंडो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है आपके ट्रक्शन, बेबी को ट्रक्शन करके रखा, यानी दोनों हाथों को होल्ड करके बच्चों को जब ऐसे पिक किया जाता है तब उसको हम ट्रक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इन्हें ट्रक्शन करके ये होल्ड करके हमने रखा हुआ है। व्हेन वी होल्ड द न्यूनेट सुपाइन दैट द रिस्ट एंड देन पुलिंग हिम अप, यानी हम उठाते हैं जब बच्चे को, दे न्यू रेस्पॉन्ड फ्लेक्सिंग द आर्म एंड नेक। चोक्सकन रिफ्लेक्स या साइन, दिस इज साइन ऑफ टेटनी मे बी प्रेजेंट विद नॉर्मल न्यूनेट्स विद द टैप ऑफ एरिया एंटीरियर एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मीचर दस स्टोमेटिंग द फेसियल नर्व द न्यूनेट रेस्पॉन्ड टीथ द अपर लिप एंड फुल मंथ ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द और भी स्कोरिज ओरिस। दिस इज कंप्लीट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द न्यू बॉर्न। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज क्लिनिकल असेसमेंट फॉर गेस्टेशन एज। गेस्टेशन इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इम्पैक्ट इज रिलेटेड टू पेरिनेटल मोर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी हेड से रिलेटेड होता है, इसलिए गेस्टेशन एज असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशन एज को असेसमेंट करने के लिए हमें ब्लड स्कैन के द्वारा एज को द्वारा असेस किया जाता है, ब्लड स्केल, ब्लड स्केल के द्वारा गेस्टेशन एज को असेस किया जाता है। और ब्लड स्केल के द्वारा असेस किया जाता है बाय फिजिकल साइन, एक्सटर्नल फिजिकल साइन एंड न्यूरो मस्कुलर साइन, इन दोनों को असेस किया जाता है। फिजिकल एक्चुअली फिजिकल साइंस कौन कौन से हैं, स्कैल्प, स्किन, प्लांटर सरफेस, रिस्ट, ईयर, कार्टिलेज, जेनिटल, न्यूरोमस्कुलर साइंस, पोस्चर, स्क्योर, विंडो आर्क, रिकॉइल, पब्लिटियल एंगल, स्कार साइन एंड हील टू ईयर। ब्लड स्कैन के द्वारा इन सभी साइंस को असेसमेंट किया जाता है और स्कोरिंग की जाती है, स्कोरिंग की जाती है बाय न्यूनेटल कंडीशन।
you seen the Bayard scale scoring is with diagram. Next, this is complete the newborn assessment of newborn assessment. It's four type. First type immediate assessment, transitional assessment, second, third is physical assessment, fourth is gestational assessment. Then next topic is tomorrow. Thank you everyone.